अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पायनियर का अकाउंट किस तरह बनाते हैं और उसको वेरीफाई किस तरह करना है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा पायनियर का अकाउंट किस तरह बनाते हैं और उसको वेरीफाई किस तरह करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जी व्यूअर्स, तो अभी मैं आ गया अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। इधर से मैं आपको बताऊँगा किस तरह पायनियर का अकाउंट बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बनाते हैं पायनियर का अकाउंट। इधर आप गूगल का विंडो हमारे पास ओपन हो गया। इधर हम टाइप करेंगे पायनियर, पायनियर हमने एंटर किया। इधर हमारे पास जो फर्स्ट ऑन स्पॉन्सर है इसको आपने नहीं क्लिक करना। सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है ना, इसको आप क्लिक करें। पायनियर पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल बिजनेस, इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। ये ओपन हो गया। इधर रजिस्टर और डिस्कवर पर नहीं रह रहे थे, आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट विंडो में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट विंडो, गेटिंग स्टार्टेड। इधर आ रहे दो ऑप्शन, इंडिविजुअल और कंपनी। इंडिविजुअल यानी पर्सनल आप अपने लिए बना रहे हैं, कंपनी का मतलब आपका अपना बिजनेस है और वो रजिस्टर है और आप उसके लिए अकाउंट बना रहे हैं, तो वो इधर आप फिर कंपनी पर क्लिक करके उसके जो डिटेल्स होंगे वो आपसे मांगेंगे, फिर आपने उसको देना है। अभी हम इंडिविजुअल बना रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम कंपनी के लिए अकाउंट बनाते हैं। तो अभी हम पहले आते हैं फर्स्ट नेम की तरफ। फर्स्ट नेम मेरा नाम है मंसूर, तो मैं मंसूर टाइप करूँगा इधर और ये हो गया मंसूर। नेक्स्ट नेम अहमद, जो नाम आपका आईडी कार्ड पर हो आपने वही देना है, इसके अलावा आपने कोई नाम नहीं देना, सही है। जो डिटेल भी देंगे आप तो सारे डिटेल आप सही देंगे। उसके बाद आता है हमारे पास ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में जो आपका ईमेल हो आपने वही देना है। मेरा है मंसूर खान, तो मेरा है मंसूर खान, वो मैं टाइप कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप इधर से कॉपी पेस्ट कर ले और जो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास आप वही जो है वो लगा ले। तो इधर आ रहे हैं, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके फिर री एंटर ईमेल एड्रेस कर ले। फिर नीचे आते हैं डेट ऑफ बर्थ की तरफ, तो जो आपका आईडी कार्ड पर है वो बना हुआ है वही आपने इधर लगाना है। तो मेरा यही 25/1/2001 आप इधर से मंथ सेलेक्ट कर ले, ईयर सेलेक्ट कर ले और जो डेट है वही। फिर नीचे आपने आई एम नॉट रिपोर्ट पर सेलेक्ट करना है और वो इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपने नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट विंडो या नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगी। जो कॉन्टेक्ट डिटेल है तो आपने जो वो मांगेगा आपने वो सारे देने हैं। ये हम आ गए नेक्स्ट पेज की तरफ। तो कंट्री जो है हमारा पाकिस्तान है। पे स्ट्रीट एंड नंबर जो आप, तो इधर मैं पहले से ये उसने उठा लिया, मैंने हो सकता है कहीं किसी और जगह इसको एंटर किया हो, ये फॉर्म फिल किया हो तो वो डायरेक्ट इधर आ गया। जो सिटी टाउन है आपका आपने वही देना है और जो पोस्टल कोड है आपको याद नहीं है तो आपने इस तरह करना है कि नेक्स्ट विंडो इधर से ओपन करनी है। मिसाल के तौर पर हमारा स्वाबी है तो स्वाबी का यही 23/30 है आपका। अगर नेक्स्ट जो भी है तो आपने उसको गूगल से आपने लिखना है अपना टाउन और इसके साथ आप लिखते हैं जिप कोड या पोस्टल कोड, तो वो आपको आपके सामने आएगा। नीचे आपने नंबर देना है अपना, जो आपका मोबाइल का नंबर है आपने वही देना है। मोबाइल का नंबर इधर टाइप करने के बाद आपके पास नीचे उसमें वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड में आपने वही देना है जो आपके मोबाइल पर आता है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। 078 ये हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो इसके बाद आप जाएंगे सिक्योरिटी डिटेल्स की तरफ। सिक्योरिटी डिटेल में उसने सबसे पहले उठाया हुआ है मेरा ईमेल जो है। फिर आप एंटर पासवर्ड कर ले, जो आप पासवर्ड रखना है तो वो खुद कह रहे यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो आप जो पासवर्ड आप रख रहे उसको रखें क्योंकि फिर आपको याद होना चाहिए। ये इधर री एंटर पासवर्ड कर ले और फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन ये जो है हमारे अकाउंट कोई हमारे अकाउंट के तहफ़ के लिए, हमारे अकाउंट के लिए ये जब आप हमसे मांगेगा तो हमने फिर वही क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और वही आंसर हमने देना है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो मैं इसमें सेलेक्ट करूंगा व्हाट वाज द लास्ट नेम ऑफ योर फेवरेट कॉलेज प्रोफेसर। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मुझे याद भी रहेगा, जो मेरा फेवरेट है मुझे पता भी है। तो वो इधर से सेलेक्ट करके फिर आपने ख़ुद उसका आंसर भी नीचे लिखना है। तो पाकिस्तान और नेशनल आईडी कार्ड जो आपका शनाख्ती कार्ड से एनएसी का नंबर है आपने इधर वही देना है। तो मेरा 16202 बाकी पूरा आपने एंटर करना है। इधर एंटर करने के बाद नीचे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, तो आपने इसको लोकल लैंग्वेज में देना है। मेरा नाम मंसूर अहमद है, अगर मैं इसको इंग्लिश में टाइप करता हूँ तो ये मुझे वार्निंग दे, आप गलत दे रहे हो। तो फिर आप इस तरह करें कि ऊपर से नेक्स्ट विंडो पे चले जाए, तो आप इधर उसको उर्दू में टाइप कर ले और उधर से फिर उठा ले, कॉपी पेस्ट कर ले मंसूर और नीचे अहमद, सही नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करें। इधर आप आए पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर ले नीचे PKR, और उसके नीचे आपका जो बैंक है आपने वही बैंक सेलेक्ट करना है। MCB मेरा बैंक है, मैं उसका सेलेक्ट करूंगा और नीचे IBAN मांग रहा है। तो मुझे अपना IBAN नंबर याद है जो 24 करेक्टर पर है, जो 24 करेक्टर पर मुश्तमिल होता है, आपने वही देना है। तो आपने वही देना है, PK47 मुझे याद है, PK47MUCB टाइप करता हूँ नीचे इधर। फिर आपने आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी कुकी पॉलिसी, आपने इधर दोनों पे आपने दोनों को सेलेक्ट करने, आप सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। तो ये क्यों आ रहा है कंग्रेचुलेशंस कि आपका जो अकाउंट वो बन गया पनीर का। इधर लिखा हुआ एप्लीकेशन कम्प्लीटेड और दूसरा लिखा है रिव्यू इन प्रोसेस, यानी आपका अकाउंट जो है अभी अंडर रिव्यू है। अंडर रिव्यू तकरीबन एक दिन भी लग सकता है, दो तीन चार जितने भी, तो आपका जो अकाउंट है वो अंडर रिव्यू रहेगा। आपको ईमेल आएगा, फिर आपने इधर आना है वापस, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो जब आपको ईमेल आएगा तो फिर आप वापस इधर आ जाए, इधर पायनियर सर्च कर लें। सर्च करने के बाद आपको इवेंट ओपन हो जाएगी, तो कहते हैं ईमेल और यूज़र नेम, आपने ईमेल देना है। ईमेल टाइप करने के बाद फिर आपने बाद आप अपना मोबाइल नंबर दे दें, मोबाइल नंबर के देने के बाद फिर आपको एक कोड, एंटर द कोड वी सेंड टू, तो जो नंबर आपने दिया है उस पर एक कोड आएगा। कोड एंटर करने के बाद फिर इधर कोड एंटर किया 6 डिजिट का, उसके बाद आता है एंटर ए न्यू पासवर्ड। आप जो है न्यू पासवर्ड जो है वो रख ले, न्यू पासवर्ड आप अपनी तरफ से बनाए, योर ऑल सेट, और फिर आप साइन इन, साइन पर आप क्लिक कर ले, वही है। तो इधर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, अपडेट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आप इधर आ जाए अपडेट पर, अपडेट नाउ पर आप क्लिक कर ले। तो अपडेट नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे। तो व्हाट वाज द लास्ट नेम ऑफ योर फेवरेट कॉलेज प्रोफेसर, आपने वही देना है जो पहले मैंने दिया था, मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर ले जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से। और इधर आपका जो ईमेल है, ईमेल पर एक कोड आएगा 6 डिजिट का, आपने इसको इधर देना है सबमिट, और सबमिट होने के बाद फिर आपका अकाउंट वेरीफाइड, आपका अकाउंट बन गया। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस।